हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर जेनेटिक जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड डियर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो जेनेटिक चैप्टर के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 108 क्वेश्चन है डियर, काफी सारे क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें इस वीडियो में कितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा पाती हूँ, उतना मैं सॉल्व करवाऊंगी, देन आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अभी 2025 के लिए भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे डियर, चाहे वो यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा से हो, बिहार से हो, पंजाब से हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं डियर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अभी रिसेंट में जो होने वाला एग्जाम हमारा 28 को जो होने वाला है, आज आपका 26 हो गया है, 2 दिन अभी लेफ्ट है डियर, जो कि आपकी झारखंड में होने वाले हैं। झारखंड में 28 को बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम है, देन उसके नेक्स्ट डेट ईयर एनएमजीएनएम के एग्जाम होने वाले हैं, देन आफ्टर दैट ईयर जो नेक्स्ट मंथ में आपकी पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला है आपके झारखंड में। सबसे लेट एग्जाम झारखंड में ही फॉर्म आते हैं, लेट एग्जाम भी लिया जाता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है डियर। जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा डियर, ताकि आपको 6 बजे डियर क्लासेस होंगी। आज 6 बजे 6 PM में बोटनी की क्लासेस होंगी, जो रेस्ट बचा है कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था 6 बजे, ठीक है, लाइव 6 PM में आप सभी लोग जुड़िएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो डियर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया है, देखिएगा, टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवेन बाय, शब्द जो जेनेटिक्स था डियर किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए में मेंडल है, बी में आपके पास डियर मॉर्गन है, सी में आपके पास डियर डब्ल्यू वेटसन है, और डी में आपके पास डियर ओ वेरी है। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग भी राइट आंसर सोचते जाएंगे और कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे, ताकि आपका कितना सही हो रहा है आप देखेंगे। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है ना, डब्ल्यू आपका वेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, ठीक है, मेंडल अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में पिशम है, बी में आपके पास ड्रोसोफिला है, सी में न्यूरोस्पोरा है, डी में आपके पास ओनोथेरा है। राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा डियर दूसरा का, तो ऑप्शन ए होगा पिशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल्स इन गार्डन पी वॉज फाउंड टू बी डोमिनेंट। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा डियर, कि बगीचे के मटर में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा प्रमुख पाया गया, कौन सा प्रमुख पाया गया। तो ऑप्शन ए में देखिएगा हरे बीज का रंग है डियर, बी में आपके पास जो है डियर अंतिम फूलों की स्थिति है, सी में हरी फली का रंग है, और डी में आपके पास डियर जो रिंकल शेड दिया गया झूरीदार बीज हैं। 4 ऑप्शन में राइट आंसर जो होने वाला है इसमें ऑप्शन सी होगा, ग्रीन पॉड कलर, यानी कि हरी फली का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर में डियर, मेंडल क्रॉस या प्योर व्हाइट फ्लावर रिसीव पी प्लांट विथ डोमिनेंट प्योर रेड फ्लावर प्लांट, द फर्स्ट जनरेशन सो। क्वेश्चन देखिए डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने शुद्ध सफेद फूल वाले अप्रभावी मटर के पौधों को प्रमुख शुद्ध लाल फूल वाले पौधों के साथ पार किया, पहली पीढ़ी दर्शाती है, तो क्या दर्शाएगी डियर इसमें। राइट आंसर 4 में जो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑल रेड फ्लावर प्लांट्स, यानी सभी जो होंगे लाल फूल वाले पौधे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां में डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स द मेंडल्स डायहाइब्रिड रेशियो, डायहाइब्रिड रेशियो, निम्न में से कौन मेंडल के द्विसंकर अनुपात को दर्शाता है। इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, 5th नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, 9:3:3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जीन्स आर एंड वाई आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोजोमल लिंकेज मैप ऑफ मेजी प्लांट्स, ओके, व्हेन आरआर देखिएगा सब कैपिटल में एंड आरआर वाई सब स्मॉल्स में, जीनोटाइप्स आर हाइब्रिडाइज्ड, देन F2 जो सिग्रेशन होगा विल बी सो, क्या करेगा। मक्का के पौधों के गुणसूत्र लिंकेज मानचित्र पर 2 जीन आर और वाई बहुत करीब स्थित में है, वेरी क्लोज है डियर, बहुत करीब स्थित में है, जब आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई जीनोटाइप को संकरित किया जाता है तो F2 पृथक्करण प्रदर्शित होगा, तो किसमें होगा डियर,
चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर 6 मिलियन, देखते हैं क्या होने वाला। ऑप्शन बी होगा डियर इसमें, यानी कि हायर नंबर ऑफ दी पेरेंटल टाइप्स, जिसमें प्रैतिक प्रकारों की अधिक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 में। इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ या हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट्स इज क्रॉस्ड विथ या ग्रीन सीडेड प्लांट्स। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है। व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जेनरेशन की बात किया है। मटर के पौधों में देखिएगा डियर, पी प्लांट्स की बात किया। मटर के पौधों में पीले बीज हरे रंग के बीज पर हावी होते हैं। येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, है ना, हरे रंग के बीज पर हावी होते हैं। यदि एक विषम युग्मी पीले बीज वाले पौधे को हरे बीज वाले पौधों के साथ क्रॉस किया जाता है, क्रॉस किया जाएगा विथ या ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ में, तो F1 पीढ़ी में जो F1 जनरेशन होगा डियर, पीले और हरे बीज वाले पौधों के किस अनुपात की अपेक्षा करेंगे, किस अनुपात की अपेक्षा करेंगे, यानी किस रेशियो में आप अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर डियर 7 में ऑप्शन ए होगा, यानी कि 50:50। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। 8 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को आप लोग को देखना है। ठीक है, 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स इज अवॉइडेड इन सम इंडियन कम्युनिटीज, क्या इट इज आल्सो सपोर्टेड बाय बायोलॉजिस्ट बिकॉज इट इंक्लूड इंड्यूसेस। कुछ भारतीय समुदायों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से परहेज किया जाता है, ये बात सही है, तो जीव विज्ञान भी इसका समर्थन करते हैं, क्यों? Because it induces, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए में म्यूटेशन है, बी में मल्टीपल बर्थ है, सी में रिसीव एलेल्स टू कम टू टुगेदर है, डी में अबनॉर्मलिटीज इन चाइल्ड बर्थ है। 8 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जिसमें होता है अप्रभावी एलील को एक साथ आने के लिए प्रेरित करता है, रिसीव एलेल्स टू कम टू टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिटिकल एलील्स फॉर एन गिवन ट्रेट इज, 9 नंबर में देखो डियर क्या कह रहा है। किसी दिए गए गुण के लिए दो समान एलील वाला जीव क्या होगा, देखो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में होमोजाइगोमस, बी में सिग्रेगेटिंग, सी में डोमिनेंट और डी में हर्माफ्रोडाइट। राइट आंसर क्या होगा डियर 9 नंबर, 9 नंबर में जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए होगा, इसका में होगा समयुग्मीय, होमोजाइगोस समयुग्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में, इन अ गिवन प्लांट रेड कलर ऑफ फ्रूट इज डोमिनेट ओवर व्हाइट फ्रूट, देखिएगा रेड कलर को कैपिटल आर से, व्हाइट फ्रूट को स्मॉल आर से, एंड टेलनेस जो टी इज डोमिनेट ओवर ड्रॉफनेस इफ या प्लांट विथ जीनोटाइप आपका दिया गया है, इट क्रॉस्ड विथ प्लांट ऑफ जीनोटाइप इतना, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट्स विथ रेड फ्रूट इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये क्वेश्चन कितनी लंबी है और आपका ऑप्शन बिल्कुल छोटी सी है, ऐसा भी क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं एग्जाम में। किसी दिए गए पौधों में फल का लाल रंग सफेद फल पर प्रभावी है और लंबाई दिया वर्डियर बौनेपन पर प्रभावी है, यदि जीनोटाइप आपका RRTT वाले पौधों को जीनोटाइप स्मॉल RRT वाले पौधों के साथ क्रॉस कर दिया जाता है, तो अगली पीढ़ी में लाल फल वाले लंबे पौधों का प्रतिशत कितनी होगी, लाल फल वाले लंबो पौधों का प्रतिशत कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा डियर, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूजन बाय मेंडल्स वाज लोकेटेड ऑन, क्वेश्चन को देखिए डियर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि मेंडल द्वारा चुने गए विपरीत लक्षण निम्न पर स्थित थे, तो 4 क्रोमोजोम,
सेवन क्रोमोजोम, वन क्रोमोजोम या फाइव क्रोमोजोम? तो राइट आंसर 11 नंबर में आपका क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन सी आएगा, फोर क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए बी कैपिटल स्मॉल बी? निम्नलिखित में से कौन से युग्मक इतना जीनोटाइप वाले व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, देख लीजिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट्स हैविंग द जीनोटाइप आपका इतना दिया गया? ए ए बी बी सी सी जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पादित किए जाएंगे? 3, 4, 9 या 2? 13 में राइट आंसर ये ऑप्शन डी होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस में शामिल है तो कौन सा जाएगा? 14 में राइट आंसर ऐड देखते हैं, ऑप्शन सी जाएगा इसमें, क्रॉसिंग डायफोन हाइब्रिड विथ डबल रिसेसिव जीनोटाइप। F1 संकर को एक डबल अप्रभावित जीनोटाइप के साथ क्या करना? क्रॉसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन में ये पूछा रही है, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हो सकता है राइट आंसर? तो 15 में राइट आंसर ये ऑप्शन सी जाएगा, 1:2:1। ओके, राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 16। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाई अ पी प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए ए बी बी इट शुड बी क्रॉस टू अ प्लांट विथ द जीनोटाइप। 16 में जो पूछा है डियर कि जीनोटाइप आपका ये वाले मटर के पौधों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के युग्मकों का पता लगाने के लिए इसे जीनोटाइप ए आपका यहाँ पे दे दिया है बी बी वाले पौधों से क्रॉस किया जाना चाहिए, शुड बी क्रॉस टू या प्लांट विथ द जीनोटाइप। तो 16 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट 17 का देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर। इफ आ प्लांट हेट्रोजाइगोस फोर टॉलनेस इज सेल्फ द F2 जनरेशन हैज बोथ टॉल एंड ड्रॉफ प्लांट्स दिस प्रूफ द प्रिंसिपल ऑफ। यदि देखिएगा कोई पौधा स्व प्रागण लंबाई के लिए विषम युग्मी है तो F2 पीढ़ी में यहाँ पे देखिएगा दिया गया है लंबे और मोनो दोनों पौधे होते हैं, यह निम्न के सिद्धांत को सिद्ध करता है तो किसको करेगा डियर? ऑप्शन ए में डोमिनेंस है, बी में सेग्रेशन है, सी में इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट है और डी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो 17 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सेग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर में, द क्रॉस यूज टू असर्ट आपका असर्टेन वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इज होमो और हेट्रो दोनों, यह पता लगाने के लिए पौधों समयुग्मी है या विषम युग्मी है क्रॉस का उपयोग किया जाता है, तो लिंकेज क्रॉस का या रेसिप्रोकल क्रॉस का या बैक क्रॉस का या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? तो राइट आंसर इसमें 18 में कौन सा होगा डियर? 18 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, बैक क्रॉस। कौन सा जाएगा डियर? सी इज करेक्ट आंसर, क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, Which cross would best illustrate Mendel's law of segregation? यानी कि कौन सा क्रॉस मेंडल के पृथक्करण के नियम को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करेगा, सबसे अच्छी तरह से?
मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रेशन, है ना। 19 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द मैचिंग ऑफ टू कर्ली हेयर ब्रॉन गुनिया पिग्स रिजल्ट इन सम ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ ब्रॉन कर्ली हेयर, सम विथ ब्रॉन स्ट्रेट हेयर, सम विथ व्हाइट कर्ली हेयर एंड इवन सम विथ व्हाइट स्ट्रेट हेयर, दिस मैटिंग इलस्ट्रेट्स विच ऑफ मेंडल्स लॉ। क्वेश्चन बहुत लंबा है डियर, देखिए सबसे पहले टू कर्ली हेयर की बात किया है, दो घुंघराले बालों वाले भूरे गिनी पिग के संभोग से कुछ संतानों के घुंघराले बाल, भूरे रंग के कुछ के भूरे सीधे बाल, कुछ के सफेद घुंघराले बाल और यहाँ तक कि कुछ सफेद सीधे बाल पैदा होते हैं, यह संभोग मेंडल के किस नियम को दर्शाता है। तो देखिए डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा, डोमिनेंस को, सेग्रेशन, इंडिपेंडेंट एडजर्टमेंट या फिर सेक्स लिंकेज। 20 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, इंडिपेंडेंट एडजर्टमेंट, सी इज करेक्ट आंसर। स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, स्वतंत्र वर्गीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट एंड रिसीव फीमेल प्लांट इज कॉल्ड, एक पौधों और अप्रभावी मादा पौधों के बीच क्रॉस को कहा जाता है, तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस या म्यूटेशन। 21 का डियर राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, टेस्ट क्रॉस। डियर ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो प्लीज जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी देखेंगे वीडियो को, वॉच करेंगे, एक तो कमेंट बनता है डियर, लाइक बनता है और शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में, जिनका भी एनएम जीएनएम पैरामेडिकल का एग्जाम है उन लोग तो भी शेयर जरूर कर दे। 22 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, 22 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बी जाएगा, ठीक है ना। मेंडल चूजन पी प्लांट्स बिकॉज पूछा था, यानी मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि बी में दिया हुआ डियर, क्योंकि उनके साथ जोड़ी विपरीत गुण थे, दे वेयर हैविंग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्या थे उनके साथ में, 7 जोड़ी विपरीत गुण था, ठीक है, बी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1983 बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर मेंडल्स प्रिंसिपल्स, दे वेयर, इसमें देखिएगा 1900 ईस्वी में तीन जीव विज्ञानों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के सिद्धांतों को खोज की, तो कौन है डियर तीन, कौन कौन थे, राइट आंसर 23 में क्या जाएगा, 23 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, क्या जाएगा, ए जाएगा इसमें, डेवरिस और क्वारेंस, देन आपका टस चेरमैक, ये तीनों दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स विथ गार्डन पी रॉड सीड शेप, देखिए यहाँ दिया गया है, वॉज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड्स और स्मॉल येलो कॉटिलेडन, वाई वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कॉटिलेडन, then what are the expected phenotypes in the F1 generation of the cross, ये यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इसमें आपका 24 में जो क्वेश्चन पूछा है डियर, देखिएगा गार्डन पी के बात किया है, बगीचे के मटर के साथ मेंडल के प्रयोगों में गोल बीज आकार, जो कि आपका गोल बीज आकार आरआर जो कैपिटल, झुरीदार बीज जो दिया स्मॉल आरआर पर हावी था, पीले बीज पत्र जो आपकी है पीले, एलो कॉटिलेडन वाई वाई, हरे बीज पत्र जो दिया वाई वाई स्मॉल, व्हाट आर द डियर, यानी कि क्रॉस आर आर वाई या आर आर वाई की एक पीढ़ी में अपेक्षित फिनोटाइप क्या होगा, अपेक्षित फिनोटाइप क्या होगा, तो राइट आंसर डियर इसमें 24 नंबर में जो होने वाला आपका ऑप्शन इसमें डी जाएगा डियर, क्या जाएगा, डी जाएगा, यानी कि ओनली रॉड सीड्स होगा विद एलो कॉटिलेडन का, ठीक है, केवल पीले बीज पत्र वाले गोल बीज होगा इसमें। 25 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लैथरस ऑडोरेथस क्रॉस बिटवीन टू पर्पल फ्लावर प्लांट्स गिव्स अ पिंक व्हाइट प्रोजेनी इज ड्यू टू, लैथरस ऑडोरेथस में दो बैगनी फूल वाले पौधों के बीच क्रॉस एक गुलाबी सफेद संतान देता है, यह किसके कारण हो सकता है, यह निम्न कारण है, तो ऑप्शंस देखिएगा डियर, ए में जो है एपिस्टासिस, बी में आपके पास मल्टीपल एलिज्म,
सी में आपके पास है सेग्रेशन जिसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं, और डी में आपके पास है कोडोमिनेंस जो होता है सहप्रभुत्व। तो राइट आंसर 25 में आपका ऑप्शन जाएगा सी डियर सेग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखिएगा क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या मेंडल के प्रभुत्व के नियम के आधार पर नहीं की जा सकती है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर 26 में। 26 में जो राइट आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन सी होगा। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। यानी इसमें डियर सी आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर 27 नंबर से। 27 में देखिएगा डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ हेटेरोजाइगस रॉन सीडेड पी प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड द ऑफस्प्रिंग विल बी। यदि विषम युग्मी गोल बीज वाले मटर के पौधे स्वपरागण हैं तो संतति होगी। कौन सा होगा 75% रॉन्ड होगा, 50% हेटेरोजाइगस होगा, 25% रिंकल होगा, या ऑल ऑफ द एबव होगा। तो 27 में राइट आंसर सही होगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखिएगा। अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ योर हाइब्रिड इज बाय। संकरण के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए एक सामान्य परीक्षण है। तो इसमें राइट आंसर 28 में जो होगा डियर ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें आपकी डी जाएगा। टॉकिंग ऑफ बोन F1 प्रोजेनी विथ मेल पैरेंट, सी आंसर इसमें सही जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोटेपिक एंड आपका फिनोटेपिक रेशियो 1:2:1 इन द ऑफस्प्रिंग्स एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ। 29 में जो क्वेश्चन है जीनोटेपिक और फिनोटेपिक अनुपात 1:2:1। तो 29 में आपका संतति में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात इतना है डियर, तो किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या फिर रिसेप्टनेस या ऑल ऑफ द एबव। तो 29 में राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन बी होगा, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखिएगा। F2 जनरेशन इन या मेंडेलियन क्रॉस सो दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम एज इतना दिया गया। इट रिप्रेजेंट्स अ केस ऑफ। मेंडेलियन संकरण में एफ जो आपका F2 पीढ़ी ने दिखाया कि दोनों जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात आपका इतना के समान है, तो यह निम्न का मामला दर्शाता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा डियर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे डियर कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, मोनोहाइब्राइड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई इट हैज 3 एलील्स, दैट इज देखिए यहाँ पे दिया गया है डियर। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर। मनुष्यों में ABO रक्त समूह जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें 3 एलील होते हैं जो आपका यहाँ पे दे दिया गया है, और चूंकि 3 अलग अलग एलील हैं इसलिए 6 अलग अलग संभव है। कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, कितने होंगे? 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो राइट आंसर इसमें जो होने वाला है ऑप्शन सी होगा, 4। 32 नंबर में देखिएगा। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ। 32 में पूछा है डियर कि मनुष्यों में त्वचा के रंग की विरासत इसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण होगा डियर 32 में? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर, बहुजेनी विरासत। 33। आर रेड इज क्रॉस्ड विथ WW जो व्हाइट, ऑल द RW ऑफ स्प्रिंग आर पिंक, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ डाइट आर जीन इज। हाइब्रिड होगा, रिसीव होगा, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होगा या म्यूटेंट होगा। 33 में राइट आंसर ये ऑप्शन सी जाएगा। क्या जाएगा इसमें? सी होगा, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा था डियर कि लाल को सफेद के साथ क्रॉस किया जाता है तो सभी RW संतान गुलाबी होती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आर का जीन जो होगा इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, यानी कि अपूर्ण रूप से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सो
क्या करेगा डियर। 34 में ए बी ओ रक्त समूह की विरासत दर्शाती हैं, तो 34 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मल्टीपल एलोलिज्म। क्या दर्शाती है? मल्टीपल एलोलिज्म, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इफ बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स वुड बी। 35 का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि रक्त समूह के ए बी ओ प्रणाली में यदि दोनों प्रतिजन मौजूद हैं तो लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है तो व्यक्ति का रक्त समूह होगा तो बी होगा, ओ होगा, ए बी होगा, ए होगा, क्या होगा? 35 में 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो सी आएगा। 36, अ मैन हैज ब्लड ग्रुप्स आ, हिज वाइफ हैज ब्लड ग्रुप बी, तो देयर चिल्ड्रेन कैन हैव ब्लड ग्रुप। एक आदमी का रक्त समूह ए है, उसकी पत्नी का रक्त समूह बी है, तो उनके बच्चों का रक्त समूह हो सकता है, तो क्या हो सकता है डियर? तो 36 में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है, ठीक है। 37, द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए बी एंड मदर ओ, चाइल्ड इज सपोज टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। 37 में पूछा है कि यहाँ पे फादर्स का ब्लड ग्रुप ए बी, मदर का ओ, तो बच्चा का क्या यहाँ पे देखिए, और बच्चे का निम्न में से कौन सा रक्त समूह हो सकता है? बी, ए, बी और ओ, या ए और बी, कौन सा जाएगा? 37, तो 37 में लिया राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, ए और बी। 38, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर क्या कह रहा है। ग्रेन कलर इन व्हीट इज डिटरमाइंड बाय थ्री पेयर ऑफ पॉलीजेन फॉलोइंग द क्रॉस। यहाँ पे दिया गया है डार्क कलर और आपका इतना जो दिया हुआ लाइट कलर। इन एफ टू जनरेशन व्हाट ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रमोशन इज लाइकली टू प्रोपोर्शंस इज लाइकली टू रिसेम्बल आइदर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है डियर कि गेहूं में दाने का रंग पॉलीजिन के तीन युग्मकों द्वारा निर्धारित होता है। इसके रंग आपका संकरण के पश्चात जो आपका यहाँ पे एफ टू जनरेशन जो दिया हुआ डियर, पीढ़ी में माता पिता में से किसी एक के समान होने की संभावना कितनी है, संतानों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें कौन सा होगा डियर 38 में राइट आंसर? 38 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है, लेस देन 5%, ठीक है। 39, एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, 39 में क्या पूछा है कि मेंडल के नियम का अपवाद है, इसमें राइट आंसर 39 में कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, लिंकेज। डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ काम चल रहा है इसके वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और इसके बाद इसमें 108 क्वेश्चन है डियर, सारे मैं सॉल्व करवा दूंगी, आज रात तक आप लोग को मिल जाएगा। 6 बजे लाइव आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 9-10 बजे रात तक जो भी रेस्ट इसमें बचा है, 40 तक कंप्लीट करवा रहे हैं, यानी कि 60 तक बचेगा, 68 तक, है ना, वो सारे मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में देने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? 40 में यही पूछा, निम्न में से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट इन प्रेजेंस ऑफ लिंकेज, ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि सहलग्नता की उपस्थिति में कोई स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं होगा, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, देखिए 41 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण युग्म पॉलीजेनिक वंशगति का अच्छा उदाहरण है? इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप लोग को पुट करना है, चारों को पढ़ के अच्छे से कि कौन सा इसमें जाएगा डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर, और अपने जूनियर को डियर उन लोग को जरूर से बताएं। यदि आप झारखंड से हैं, झारखंड के बच्चे के पास ये वीडियो गई है, तो आप लोग अपने जूनियर को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जरूर सजेशन दें, क्योंकि 2025 की हमारे यहाँ काउंसलिंग चल रही है एडमिशन का, कि क्या प्रोसेस है, कितना फी लगेगा, ये सारी चीजें हम लोग बाय फेस फेस टू फेस मिलकर ऑफलाइन क्लासेस वाले को बता रहे हैं। यदि ऑनलाइन में चाहते रहिए तो यहाँ पे नंबर है आपका 7250484295।
सभी टीचर मिलेंगे डियर आपको, एकदम हाथ पकड़ पकड़ के इसमें सिखाया जाएगा डियर, बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है ताकि आपकी एग्जाम क्लियर हो सके। जो भी 2025 के लिए अपने ड्रीम रखे हो डियर, के हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, चाहे कोई भी पोस्ट में जाना है, और आपको बहुत सारे पोस्ट के बारे में मालूम नहीं है डियर, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में मालूम नहीं है, तो वो सारे कोर्सेज भी आप लोग को बताया जाएगा काउंसलिंग के जरिए। तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, जितने जिसके पास अफोर्ड कर सकते हैं डियर, जिसके पास जितने पैसे होते हैं उनके हिसाब से भी कोर्सेज बहुत है डियर, ठीक है, आप जो चूज कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 6 बजे आप लोग लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा डियर। थैंक यू।